हेलो भाई लोग, बच्चा लोग, सब लोग कैसे हैं? सब वेलकम बैक। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं गॉट सिमुलेटर, लेकिन इस बार थोड़े अलग ट्विस्ट के साथ, क्योंकि इस बार हमारी बकरी जो है वो एस्ट्रोनॉट वाली बकरी है। चलो चलो देखते हैं होता क्या गेम में। तो चलो सबसे पहले करेक्टर देखते हैं गेम के। नॉर्मल गॉट है इसके अंदर, थर्टर गॉट है, स्निकी गॉट है, पायरेटेड गॉट। ये कौन सी गॉट थी भाई? पायरेटेड गॉट चिट्टी सी, बिल्कुल कोई इसकी स्किन भी नहीं है। ओके, काफ़ी सारी गॉड्स हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही गॉड है जिसे हम खेल सकते हैं, वो है हमारी एस्ट्रोनॉट वाली। तो चलो यार गेम में चलते हैं। ओके भाई, बहुत ही यहाँ पर जो है फैंटेसी वाला म्यूजिक चल रहा है, फनी है बिल्कुल। ओके, यहाँ पर लिखा रहा है इन आर नॉट सो फार फ्यूचर इन अ गैलेक्सी प्रिटी क्लोज बाय। ओके, फ्यूचर के बारे में है यार, हमें इसे क्या है यार, हमने तो अपनी गॉड को देखना है यार। जल्दी जल्दी से खत्म हो जा। ओके, यहाँ एक स्पेसशिप है, ये ओ इसके ऊपर लगता है किसी ने लेजर फायरिंग की और अब ये क्रैश हो गई है। ओके, हम यहाँ आ चुके हैं किसी जगह पे, तो है कोई बेस लग रही है क्राउड की, कदम पता है नहीं ये है कौन सी जगह। और ये हमारा जो है स्पेस क्राफ्ट जो है क्रैश हुआ हुआ है, और ये पता नहीं क्या बना हुआ है। ओके गाइस, तो हम फाइनली गेम के अंदर आ चुके हैं। इसकी ऐसी की तैसी, सबसे पहले देखो आते साथ ही बंदों को मारो, क्योंकि इस गेम का मोटिव ही है यार। और मैंने एक बंदे को मार दी, $52 रेस कर लिए, बहुत हैवी। ओके गाइस, अब समझ नहीं आ रही क्या करूं। यहाँ सामने एक जगह बनी हुई है, और यार ओके यहाँ जाके देखते क्या मैं जा सकता हूँ। नहीं जा सकता, ये तो बंद है, शायद आगे जाके खुल जाए यार। खैर चलो आगे जाता हूँ, अब मुझे यहाँ पता है नहीं करना क्या, क्या करूँ भाई। यहाँ पर है कुर्सी बनी है शायद, यहाँ लोग बैठे होते हैं, रिसेप्शनिस्ट की है, पता नहीं कौन से वर्ल्ड में आ गया मैं। और सामने लव फेयर 2079 लिखा है, शायद कहीं और टेलीपोर्ट होने के लिए है। और अभी मुझे समझ नहीं आ रही करूँ क्या भाई, भाई क्या करूँ क्या करूँ। अब यहाँ देखते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, शायद किसी तरह चले जाएं, या यही हमारी गेम का स्टार्ट है। ये देखो यार बकरी गिर जाती है। ओके, यहाँ चल के देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, हम कहीं तो टेलीपोर्ट हो हैं। ओके, लोडिंग ले रही है। ओके, लव फेयर 2019 लिखा है, पता नहीं 79 लिखा है, कहीं तो आ गए हैं। पिंक सा माउंट, पिंक से माउंटेन बने, हार्ड ही हार्ड है, क्या है। ओके गाइस, तो फाइनली गेम के अंदर आ चुके हैं। कॉलोनी यहाँ पर बनी है क्राउड किकर, अब मुझे ये नहीं पता क्राउड किकर है क्या, अब यहाँ जाके देखते हैं शायद ये कहीं और टेलीपोर्ट करे। ओके, लोडिंग हो रहा है, जब तक आप एक लाइक कर दो वीडियो को। हाँ, ये क्या है? तो फिर से वही आ गया भाई, इसको स्किप मारो। ओके, ये क्या हुआ था भाई? तो ये क्या, हम तो वापस वही आ गए, ये कौन सी बात हुई भला? यार इस बंदे को मारो पहले, ये रोग हो रहा है। चलो मारो इसे यार। ओके, ये बंदा तो गया, और अब हमने जो है 60, ओह ये तो बढ़ते जा रहे हैं, $86 जो है रेस कर लिए। अब हम वापस चलते हैं, गलती से हम वापस आ गए यार। ओके, लोडिंग हो रहा है फिर से, बहुत खपना पड़ रहा है भाई लोग। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ अभी यार? कुछ तो मिला, स्ट्रेच गोल्ड स्ट्रेच डोर स्पेयर, समझ नहीं आई। कोई तो मशीन है यहाँ पर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली। नीचे चल के देखता हूँ क्या है नीचे, यहाँ पर कैसे नीचे जाना है। ओ भाई साहब, ओ भाई ये तो पूरा एलिवेटर है, खुद ही नीचे जा रहा है भाई। देखो हमारी गोल्ड ने क्या बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसकी अस्की तस्वीर
जी देखो ये लड़के इसकी भी ऐसी की जैसी देवा गेम में ग्लिच कर कर जाते हैं। वो देखो सामने माउंटेन के अंदर ही भाग जा रहा है। जा तू माउंटेन के अंदर ही चला जा। टेक माय मनी। हां टेक माय मनी। ओके हमने $42 जो है वो रेस कर लिया। अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं और ये लड़ाई छलांग आपके भाई ने यार ये पकड़ी ना सब कुछ छोड़ेगी कहीं की क्या करूं। ओके यहाँ छलांग मारता हूँ फिर से ऊपर। ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई 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 भाई, भाई। अब मैं सही में क्रश होने लगा था। क्या ऊपर चलते हैं यहाँ एक और मोहतरमा खड़ी है इनकी ऐसी ऐसी करते हैं। ओके स्ट्रेस्ड क्राउड फंडिंग स्टेशन हमें नहीं आ रही मुझे क्या यहाँ पर लिखा रहा है। हम मैं जा ही जा रहा हूँ जैसे जैसे खेलूंगा समझ आती रहेगी भाई लोग। ओके यहाँ पर भाई जान नाच रहे हैं और पता नहीं कुछ तो बनाए इनके ऊपर सर के। खैर छोड़ो इसे। ओके यू देयर आर यू सिंगल व्हाट ये क्या लिखा हुआ था भाई। एक चीज की बहुत ज्यादा जल्दी है। आई नो यू मुझे यहाँ पर जो है ना इससे कन्वर्सेशन करके बाबा करके समझ नहीं आ रही क्या करना। लिखा तो होना चाहिए यस या नो सीधा बाबा लिखा हुआ है। ओके हमें अब एक मिशन मिला है द स्विंग क्लब का इंस्पायर द कपल ऑफ द स्विंग समझ आ गई है क्योंकि मुझे असल में नहीं आई। पर चल के देखते हैं यहाँ पर यार बकरी गिर जाती है साथ। यार अंदर आ चुके हैं यहाँ लिखा है गेम शो बना है लव बूट कैंप बना हुआ है। ब्रो ये कौन सी जगह पे आ गए हो मैं पूरा लव वर्ल्ड है भाई। इसी तरह आप भी लव दिखाया करो और जरा सपोर्ट किया करो। ओके सामने रिसेप्शनिस्ट बैठी है। ओके यहाँ चलते हैं अंदर क्या हम इसे आगे जा सकते हैं। ऑलराइट यहाँ पर कहाँ जाना है भाई। यहाँ एक गार्ड खड़ा है किसको मारना है भाई मैं ही पड़ जा। यहाँ पर ये रोबोट से कन्वर्सेशन कर रहे थे सी That love not answered ये कैसी कन्वर्सेशन है भाई मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया यार। इसको मारो यार सबसे पहले। ओ भाई ये गॉड बड़ी फारक है। अब मैं यहाँ कैसे जाऊँ भाई जरूर इस रोबोट से कुछ तो करना पड़ेगा। ओके मैं एक दूसरे दूसरे बाप पे क्लिक करके देखता हूँ। रिटर्न नो टेस्ट फॉर यू कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ उसका सिस्टम ओवरहीट हो गया इसकी वजह से अब हम अपने बूट कैंप के अंदर एंटर कर सकते हैं। ओके आगे चलते हैं भाई लोग पबजी वाला बूट कैंप ना समझ लेना। यहाँ कोई बंदा है ना हो रहा है यार उसे देखा नहीं जाता ऐसे होते हुए बंदे को। ब्रो क्या करूँ वापस जाऊँ क्या करना है भाई। ब्रो मैं कहीं तो आ गया हूँ। इतने सारे यहाँ पर रूम्स बने हैं बट खुला एक ही हुआ है। आई थिंक मुझे नंबर 1 में ही जाना है। अब पता नहीं क्या करूँ। चलो यार यार भाई लोग जब तक मैं सोच रहा हूँ वहाँ जब तक लाइक कर दो। और मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ हूँ सही में कहाँ जाना चाहिए। यहाँ जाके देखते हैं जा सकते हैं। नहीं ये तो लॉक है जा ही नहीं सकते मतलब जो ओपन है आई थिंक वहीं जा सकते हैं। ये भी लॉक है इसको देखते हैं। ओ भाई ये भी लॉक है ये देखते हैं ये भी लॉक है मतलब हमारे पास आखिरी ऑप्शन है इस नंबर 1 में जाने का जो कि गिफ्ट लगा या फिर से वेट बोर्ड है। चलो यार इसे बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ लव इज टू प्राइज कम्प्लीट टास्क टू प्रोसीड टू नेक्स्ट रूम। ओके हमें एक टास्क को कम्प्लीट करना पड़ेगा दूसरे रूम में जाने के लिए। ओके हमें कोई गिफ्ट देना पता नहीं क्या करना है। प्रेजेंट गिफ्ट टू माई बॉडी व्हाट। यहाँ पर एक टीएनटी टैंक पड़ा है टॉक्सिक बैरल। यहाँ एक रोबोट का स्टैचू पड़ा हुआ है। आई डोंट नो मैनी क्यून है क्या है
हैट पड़ी हुई है और यहाँ कुछ तो पड़ा है। बड़ो समझ नहीं आ रही, करूँ क्या? भाई भाई भाई, ओ भाई मैं करूँगा इसको, मारता हूँ यार, ये तो टूट भी नहीं रहा। अब यहाँ देखते हैं गोल्स में क्या। डॉट पेयर रीच हो चुका है, क्राउड फंडिंग भी हो गया है, प्लानिटरी कलोनी 1500 अगर हम इस मिशन को कंप्लीट करते हैं तो मिलेंगे। बट समझ में नहीं आ रहा, करूँगा फिर से बात करता हूँ उससे। प्रेजेंट गिफ्ट जो माए बॉडी रिप्रेजेंटेशन, समझ नहीं आया। ओके यहाँ पर देखते हैं एक हैट है, इसको हेडबर्ट करके देखते हैं। या मेरे दिमाग में एक बहुत ही हैवी आइडिया, क्यों ना हम इस हैड को इस ब्लू जगह पे रखें। ओके 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 ओके, अभी एक आवाज़ आई थी भाई लोग, एक आवाज़ आई थी, आई डोंट नो, शायद हमें उसी ब्लू जगह पे कुछ तो यहाँ से रखना होगा, और हमारे पास तो कुछ है भी नहीं सिवाय इस हैड के। तो एक दफ़ा फिर इस हैड को जो है यार, ये तोड़ के कहीं और ही चली गई। टॉक्सिक बैरल को ना रखें, टॉक्सिक बैरल को रख के देखो भाई। यार कितनी सुस्त लग रही है मेरी यार, ये देखो खुद ही गिर जाती है यार। लोग दूसरों को क्या गिराएगी, खुद ही पहले गिर जाती है, ये देखो तो सर अड़ गया भाई। मूव हो जा ये टॉक्सिक बैरल, कभी वहाँ अड़ी जा रहा है, कभी कहाँ अड़ी जा रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूँ क्या करूँ। एक और दफ़ा जोर की इसको मारना पड़ेगा। ओके ये आगे क्या है, अब हमें इसको यहाँ से जाके मारना है सीधा सीधा, कि हमारा जो है ब्लू वाला जो चेक वाला जो पहुँचे। और ये क्या हो गया भाई, हमारा पॉपट हो गया गाइस, वापस से बैरल जो है वो दीवार के साथ चला गया है। क्या करूँ अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हुआ हुआ है। ओके मेरे ख्याल से मुझे वापस चलना चाहिए भाई, मैं यहाँ इतना खपना नहीं चाहता, और कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर कहीं तो जाने की, शायद कोई रूम खुल जाए या फिर कुछ तो फंडा होगा यार। खैर मैं वापस जा रहा हूँ, मेरा तो दिमाग पक गया भाई। ये देखो यार कितनी सुस्ती, चकराएं लग रही है फिर से, वही गार्ड आ गया भाई, ये भी मैंने से मारा था। खैर इसे छोड़ो, बाहर चलते हैं। लव मी डू गेम शो, ये कोई गेम शो बना हुआ है आई थिंक, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार भाई लोग। खैर ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हमारे मैजिशियन भाई ने आचरिंग से बात करते। सो यू वांट टू बी द नेक्स्ट कंटेस्टेंट ऑन लव द लव डू शो। ओके आई थिंक ये कोई शो है लव मी डू, जिसका ये वो मुझसे पूछ रहे क्या तुम कंटेस्टेंट बनना चाहोगे। व्हाट एवर यू जस्ट सेड चेंज माय, ओके ब्रो। ओके हमें एक नया मिशन मिल गया है लव मी डू का, तो चलो देखो ये क्या हो रहा है इस बंदे को। ठीक है मैंने तुझे हाथ में नहीं लगाया भाई, भाग क्यों रहा है भाई। यार चलते हैं अंदर, ये क्या है, लवर्स और लिखा तो नहीं। आई थिंक मुझे अगर हार्ड पे मुझे इस बंदे को देख के बताना कि लवर है क्या है, आई डोंट नो यार, रैंडमली जो भी होता है देखते हैं। आप लोग भी यार बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कैसा है, देख रहे हैं तो मुझे फारिक पता लग रहा है यार, ये डंपस्टर है। ओके अब और बंदा आना चाहिए कोई। ओके ये मुझे ठीक सा लग रहा है, नहीं यार ये फन क्या करूँ क्या क्या करूँ, और भी बंदे आएंगे भाई, हजारों बंदे आएंगे, कितने आएंगे। तो इसे कर देते हैं जा भाई, ये देखो कैसे दीवार से टकरा के गिरा है। ओके लगता है ये तो कोई सुस्त बंदी है, इसको डंपस्टर भी डालना पड़ेगा ब्रो, सही में ये स्लाइड नहीं है। आई थिंक शी इज ड्रंकन, आई विल ऑलवेज हेडबट यू। ये क्या था भाई, मिशन कंप्लीट हो गया। राइट गाइस लव मी डू का मिशन कंप्लीट हो गया है, फंडिंग इज फंडेड प्लैनेटरी कॉलोनी की, सो हमें $5,000 जो है।
और चलो बाहर चलते हैं यार, जल्दी जल्दी चल। क्या एक दफ़ा ऊपर जाते हैं, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ जाने का, जहाँ ये फोन नहीं बना हुआ, यहाँ कोशिश करता हूँ जाने की, शायद मैं जाऊँ यहाँ पे। ओ भाई साहब, गिर जाती है बकरी बार बार, कोई तरीका तो होगा जाने का, या फिर हम जा ही नहीं सकते। खैर भाई, ये देखो बकरी गिर गई, छोड़ो भाई बाहर चलते हैं वापस। और ये अंकल जी फिर से नाचने लग गए हैं। डन डेटिंग ऑलरेडी, देयर इज नो लिस्ट ऑफ लाइव पीपल्स। ऑलराइट गाइस, इसको बड़ा मारो और हम चलते हैं जल्दी जल्दी से वापस। ओके मैं रास्ता शायद थोड़ा भूल गया हूँ यार, इन अंकल जी को मारने का दिल तो नहीं कर रहा बेचारे को, पहले भी मारा था एक दफ़ा। चलो यार वापस चलते हैं जल्दी जल्दी से। देखो यार अपनी बकरी, यार मैं ये सोच रहा हूँ शायद वहाँ पर भी जो हमारी मेन बेस है वहाँ भी कोई मिशन हो तो सकता है। और यहाँ पर उन्हें गार्ड अंकल से फिर से बात करते हैं, उन्होंने एक मिशन दिया था शायद। देखो बकरी गिर जाती है बार बार, इसे बात करते हैं। कम ऑन यू नो रेडी, आई थिंक मिशन कंप्लीट हो गया इसका या नहीं हुआ पता नहीं। चलो जल्दी जल्दी से यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर दो, ये क्या है भाई, इतना फनी उसका। ओ भाई साहब, हेडबर्ड स्विंग। ओ भाई देखो, मुझे पीक ने खुद ही उड़ा दिया भाई, ये फिर से ना लग गया मुझे। ओके यहाँ बार में कोई बंदा है, इसको मारते हैं और ये बारटेंडर को मारते हैं। देखो यार तुम्हारा भाई बहुत सारे पैसे रेस कर ही जा रहा है, तो आप सबका भी काम बनता है यार थोड़ी सपोर्ट दिखाने का और एक लाइक करने का, और शेयर भी कर दिया करो यार, एक प्यारा सा कमेंट दे दिया करो। इसको फिर से स्विंग देते हैं यार, दोनों का डे बन जाएगा। ओके अब पता नहीं क्या करना है मुझे, मैं अपनी सोच रहा हूँ कॉलोनी में वापस चलूँ, मेरा दिल कर रहा है, आई थिंक यही रास्ता है। ओके चलो यार मैं अपनी कॉलोनी में वापस चलने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ। देखो यार इससे फिर से मुझे क्रश कर दिया, ऊपर तो ले जा, अब जा ही नहीं रही, पता नहीं खराब हुई है, फिर से चढ़ते हैं। ओके अब ये मूव होना शुरू हुई है। ऑलराइट गाइस, देखते हैं शायद वहाँ जाके कुछ हमें मिल जाए। भाई साहब ओके फाइनली हमारी गेम जो है वो लोडिंग हो रही है। जब तक लोडिंग हो रही है तब तक आप जरा एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ओके न्यू मिशन मिला क्राउड किकर एचक्यू का, फंड द कॉलोनी। ओके ये कंप्लीट हो गया है, सॉरी ये कंप्लीट हो गया मिशन। अब हमें मिला कलेक्टर नॉविस का न्यू मिशन, हमें 5 बंदों को हेडबर्ड देना है। इसको मार यार। तो यार भाई लोग मुझे तो बड़ा मज़ा आया है यार, आप बताओ कैसा लगा यार। और एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।